सय्यदना व नबीना व काइदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहुम इला यौमिद्दीन। قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا। तमाम तरह की तारीफें उस ज़ात बाबरकत के लिए ख़ास हैं जिसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, इस्लाम की नेमत अता की और हमारी रहनुमाई की खातिर अशरफुल कुतुब कुरान को नाजिल फरमाया और हम सभी के लिए बतौर रहबर अशरफुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल औलिया वल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाए। इस प्रोग्राम में मौजूद नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और पर्दा नशी खवातीन को मेरा इस्लामी तहिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहमियत को उजागर करते हुए कुरान में इरशाद फरमाया, उस शख्स से बेहतर और किसका तरीके जिंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की। उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, जिसे अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपना दोस्त बना लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन और शाहिदीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु तआला के मुकर्रब तरीन पैगम्बरों में से अजीम पैगम्बर। आपका मकाम मर्तबा अल्लाह सुब्हानहु तआला के नजदीक बहुत बुलंद और बाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खालिस बंदगी और उसकी खालिस इताअत में गुजारे। और आपने सारी जिंदगी खालिस तौहीद की दावत देते रहे और अल्लाह के बंदों को, लोगों को शिर्क से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से रोकते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तमाम मोमिनों के लिए उसवा है, नमूना है और हुक्म इलाही भी यही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कद कान लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, तुम सब के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में शानदार नमूना है। मुअज़्ज़ज़ शाहिदीन और सामिईन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में कई दुआएं की थी, उसमें से एक दुआ पर नजर डालते हुए इंशाअल्लाह आपके जिंदगी के अहवाल को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में खुलूस व मोहब्बत, खौफ और रजा के साथ ये दुआ की थी, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ अपने लाडले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के घर बैतुल हराम के पास छोड़ा और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को इस बात का दर्श दिया कि सबसे पहले औलाद को दीन की तालीम से आरास्ता करने की जरूरत है। औलाद हमारी बाद में चलकर बड़े होकर चाहे मारूफ और मशहूर साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी और मैदान में अपना किस्मत का तारा चमकाए, लेकिन सबसे पहले उन्हें हमें नमाजी बनाना और उन्हें नमाजी बनाने के लिए अपने घर में छुपाना नहीं बल्कि अल्लाह के घर में पहुंचाना होगा और उन्हें ये तालीम देनी होगी कि जिंदगी में मसाइब का सामना हो सकता है, मुश्किलात का सामना हो सकता है, नुकसानात का सामना हो सकता है, गम का सामना हो सकता है, परेशानियों का सामना हो सकता है, बीमारियों का सामना हो सकता है, कई तरह के इम्तिहान आ सकते हैं। तो इन हालात में हमें उन्हें बताना होगा कि वावेला मचाने के बजाय सीना कूटने के बजाय एक दूसरे को मलामत करने के बजाय हाय वाय करने के बजाय वो मुकम्मल तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर रखें। और किसी भी मसले के लिए अल्लाह से रुजू होने में उन्हें कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हमें वो दुआएं सिखाना जरूरी है जो उन्हें जिंदगी के अलग अलग मोड़ में उनके काम आ सकते हैं, उनके हाथ थाम सकते हैं और जिंदगी के अंधेरों में रोशनी का चिराग बनकर उनका मुस्तकबिल वो रोशन कर सकते। आज़ाद सामीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने चहीते बेटे को और महबूबा बीवी को मक्के की बेआबोगया जमीन में छोड़ते हैं, दुआ क्या करते हैं? रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, बेआबोगया इस जमीन में तेरे घर के पास है अल्लाह, मैं अपने आल औलाद को छोड़े जा रहा हूँ। क्यों छोड़े जा रहा हूँ? यकीनन ये तेरा ही हुक्म है और तेरे हुक्म की तामील में ही मैं सब कर रहा हूँ। यहाँ इन्हें किस लिए छोड़ रहा हूँ? इसलिए छोड़ रहा हूँ रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मेरी दुआ यह है कि मेरी औलाद उन्हें तो नमाज कायम करने वाला बना दे या रब। सुभान अल्लाह। आज हमारे घर लड़का हो लड़की हो, बाप चाहे गरीब हो, मिडिल फैमिली का हो या करोड़पति, हमल के अय्याम ही से ख्वाब देखना शुरू कर देता है कि मैं मेरे बच्चे को पुलिस बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात, लेकिन सबसे पहले हमारी जो नीयत होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को मैं एक अच्छा और सच्चा पक्का मुसलमान बनाऊंगा, अच्छा और सच्चा और पक्का मोमिन बनाऊंगा, ये हमारे अंदर की सोच ऐसी होनी चाहिए। हम अल्लाह सुब्हानहु तआला से ऐसी दुआ करनी चाहिए। चुनांचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आलो आयाल को वहां छोड़ने के बाद दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद क्योंकि वो बेआबोगया सरजमीन है और वो परेशान हो सकते हैं तन्हा रहकर, तो आपने दुआ किया फजअल अफईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, के अल्लाह लोगों के दिल इस सरजमीन की तरफ खींचे चले आए, तो वही दुआ की बरकत है। आज हम देखते हैं हम में से कोई एक बार उमरा किया होगा, हज किया होगा, 2 बार किए होंगे, 10 बार किए होंगे, उससे ज्यादा कम किए होंगे। आज के इस नाजुक तर हालात में भी, कोरोना महामारी के इन औकात में भी हमारा दिल ललचाता है, तमन्ना होती है कि एक बार ये हालात जो है सुधर जाए और हम जो है खाने काबा की जियारत से फैज़याब। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत है। और उस वक्त आपने दुआ की थी, वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, ऐ अल्लाह उन्हें हर किस्म के फलों से रोजी अता फरमा। बाज़ा सामीन, आज अब जब आप उमरा के लिए या हज के लिए मक्का जाते हैं तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है कि कोई भी ऐसा फल नहीं है जो हमें मक्का में दस्तयाब ना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी सरजमीन जहां ना कुछ पिकता था, ना ही उसकी सलाहियत उस जमीन में थी, लेकिन अल्लाह ने उस सरजमीन को अमन और शांति का शहर ही नहीं बनाया, बल्कि तरह तरह के अर्जाक, तरह तरह के फल फ्रूट का शहर भी बनाया। सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सबको यह दावत है, हम यह दावा करते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के पैरोकार। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इसको कैसे जिंदा किया जा सकता है? यकीनन जानवर की कुर्बानी भी इसमें शामिल है, लेकिन साथ ही हमें ये अज़्म भी करना है कि हमारे औलाद ऐसी होनिहार हो, ऐसी मुतियो फरमा बरदार हो कि बाप के एक हुक्म पर अपना सर कटवाने के लिए तैयार रहे। आज़ाद सामीन, आज बहैसियत वालिदैन, वालिद और वालिदा की जिम्मेदारी है औलाद में, बच्चों में अल्लाह के दीन की खातिर मर मिटने का जज्बा जो है वह हमें पैदा करना जरूरी है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लामा इकबाल क्या है खूब फरमाते हैं, ज़ौक़ हाजिर है तो फिर लाजिम है ईमान खलील, वरना खाखस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, तरक्की के दौर में, हमारे पास अगर ईमान की शमा नहीं है, ईमान की हरारत नहीं है, यकीन का हथियार नहीं है, नमाज की मदद नहीं है, तो हम बहुत मुहज्जब होकर भी, बहुत एजुकेटेड होकर भी, बहुत खुशहाल होकर भी नुकसान उठा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस तमहीद के बाद हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए आगे बढ़े। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद बिन कनान के दौर में हुई, जो कि जालिम और जाबिर बादशाह था और संग दिल आदमी था। और उसका ताल्लुक उस कबीले से था जिसकी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। और उसने 1000 बरस तक बादशाहत की और मलऊन बिल आखिर इसी नशे में खुद खुदा होने का दावा भी कर बैठा। एक रोज नमरूद तख्त पर बैठा था, तमाम लश्कर उसके गिर्द हाजिर थे। जादूगर, नजूमी, पुरोहित और पंडित तकदीर इलाही से सब के सब सर झुकाए गमनाक बैठे हुए थे। इस तरह सबको गमजदा देखकर नमरूद ने कहा, वजह क्या है? उन पुरोहितों और पंडितों और जादूगरों और नजूमियों ने कहा, आसमान में इंतहाई रोशन सितारा नमोदार हुआ है। उस सितारे जैसा ना पहले कभी देखा गया है ना सुना गया है। और साथ में ये इंफॉर्मेशन भी दी कि आपकी रियाया में एक होनहार लड़का पैदा होगा जिसके हाथों आपकी हुकूमत चली जाएगी। ये सुनकर पहले तो नमरूद बहुत परेशान हुआ, बाद में उसकी अना ने उसे तसल्ली दी, तू तो किंग गार्ड है, लोग तुझे बादशाह के साथ साथ खुदा मानते हैं, यहाँ तेरा ही हुक्म चलता है, जो चाहे हुक्म तू जारी कर सकता है। तो उसने हुक्म जारी करते हुए ये फरमान उसने सादिर फरमाया कि तमाम मर्द औरतों से अलग हो जाए और इस दिन के बाद जो भी मर्द बच्चा पैदा होगा, नरीदा औलाद पैदा होगी, उसे कत्ल कर दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इन हालात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने वक्त के जालिम संग दिल खुद को नाउज़ बिल्लाह खुदा कहने वाले उस शख्स से भी उनको महफूज फरमा लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू ज़ैफ़ान है, यानी मेहमान नवाज, मेहमान वाला। और आपको खलीलुल्लाह, खलीलुर रहमान भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त। ये मर्तबा और ये मनसब भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको अता फरमाया। और आपका नसब नामा नूह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाम और साम, इनमें से साम भी नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। शक्ल शबाहत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे और आपके आका रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबिया वल रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाहबहत रखते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, वालिद की उम्र 75 साल थी जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा हारान और नाहूर भी आजर के बेटे थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरमियानी बेटे थे और हारान की वफात वालिद की जिंदगी में ही, जहां वो पैदा हुए थे यानी बाबिल, उसी में उनका इंतकाल हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े होकर अपने चचाजाद हजरत सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम एक जमाने तक बांझ रही और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और अपने वालिद के साथ बाबिल के इलाके यानी किल्दानियों के इलाके से रवाना होकर कनानियों की सरजमीन पर आकर बसे। यही इलाका बैतुल मक़दिस का इलाका है। रास्ते में वह हिरान में ठहरे। इस मकाम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तकरीबन 250 साल की उम्र में फौत हुए। शाम में भी रहे। इस जमाने के लोग सितारों की इबादत करते थे। दिमश्क में बसने वाले भी इसी मजहब के पैरोकार थे। वो कुतुब शिमाली की जानिब मुंह करके कई तरह के अल्फाज, मंतर और आमाल के जरिए 7 स्टार्स 7 सितारों की पूजा करते थे। यही वजह है कि दिमश्क के पुराने दरवाजों में से हर एक में से एक दरवाजे पर 1 सितारे की इबादतगाह बनी हुई। तो वो लोग उनके नाम की ईदें और कुर्बानियां भी मनाते थे। इस तरह हिरान के बाशिंदे भी सितारों और बुतों को पूजते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजे मुहतरमा और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के सिवा दुनिया भर में लोग कुफ्र और शिर्क में मुबतला थे। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, ये नुकता वो है कि पोशीदा ला इलाह में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आपके जरिए इस बातिल गुमराही को खत्म करना चाहा और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अक्ल सलीम और रुश्दो हिदायत से नवाज दिया था। और जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाकर मबऊस फरमाया और खलील का मनसबा और मर्तबा भी अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इनायत फरमाया। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु तआला सूरतुल अंबिया 50 पर 1वीं आयत पर फरमाते हैं, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले हिदायत अता फरमाई थी और हम उसे जानते थे, यानी हमें मालूम था कि वो इस मनसब के अहलियत रखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत की जिम्मेदारी दी गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तौहीद की दावत अपने वालिद ही को दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद का आगाज अपने घर से किया, सबसे पहले अपने बाप को तौहीद की दावत दी क्योंकि सबसे ज्यादा हक भी उन्हीं का था। और ऐसे अल्लाह तब तरीके से नहीं, पूरे इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खैर खाही के साथ जो है उन्होंने तौहीद की दावत दी। बाप अगरचे के मुशरिक थे लेकिन बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, अदब से, एहतराम से या अबती कहते हुए, ऐ मेरे अब्बू, इतने नर्म लहजे को उन्होंने अपनाया, धमकी नहीं दी जैसा कि आजकल की जो औलाद है उन्हें ना वालिद का एहतराम है ना वालिदा का अदब है ना बड़ों की कदर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये आदाब वो हैं जो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। ये बुलंद आवाज में बड़ों से बात किया नहीं करते, अगर कोई बात है जवाब दिया नहीं करते, अगर कुछ कहना है, अदब को मलहूज रखना जरूरी है, एहतराम को मलहूज रखना जरूरी है, मकाम और मर्तबे को मलहूज रखना जरूरी है। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो हमारे बड़ों की कदर नहीं करता और हमारे बच्चों पर रहम नहीं करता वह हमें से नहीं। आज़ा सामीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से खिताब करते हुए फरमाया, इद क़ाल लि अबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मा व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैया या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या या अबती ला तअबुदु शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। आपने कहा, ऐ मेरे अबू, ऐ मेरे बाबा जान, मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो वाज़ेह और सीधा है, और ये वो रास्ता होगा, राह नजात होगा आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया व आखिरत की सारी भलाइयां इस रास्ते ही से जुड़ी हुई है। कितने प्यारे अंदाज में वालिद से खिताब फरमा रहे हैं, इतना अजीम पैगाम है। शिर्क से डराना है लेकिन कितने प्यारे अंदाज में, कितने महजब तरीके से, कितने अदब के साथ, एहतराम के साथ। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप ने ये हिदायत और नसीहत की बातें कबूल नहीं की बल्कि धमकियां देते हुए उसने कहा, इब्राहीम इब्राहीम, या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू तेरी इस हरकतों से बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा पैगाम है, इतनी मोहब्बत के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, लेकिन वालिद कितना सख्त लहजा अपना रहा है। लेकिन उसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरगजिस्ता नहीं हुए, जलाल में नहीं आए, जज्बात का शिकार नहीं हुए, बड़े ही अदब एहतराम से फरमाया सलामुन अलैक, ऐ मेरे प्यारे वालिद मोहतरम आप पर सलामती हो। जैसा आप समझ रहे हैं आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और ना ही मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूंगा, कुछ भी हो जाए मेरी तरफ से आप बिल्कुल महफूज हैं। हाँ, मैं जा रहा हूं, परवरदिगार से आपके लिए बख्शिश मांगूंगा, उस परवरदिगार का, उस रब का मुझ पर बड़ा करम है, उसी ने मुझे अपनी इबादत और इखलास की तरफ रहनुमाई फरमाई है। और फिर फरमाया ऐ मेरे प्यारे अबू, तुम जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पुकारते हो मैं उन सब से बरी हूं, किनकी इबादत तुम करते हो जो तुम्हें सुन नहीं सकते, जो तुम्हें देख नहीं सकते, जो तुम्हें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना किसी नफा के मालिक है ना नुकसान के मालिक है। मैं तो जो रब्बे जुल जलाल है, जो सारे जहां का पालनहार है, उसी पर ईमान रखता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना वादा पूरा करते हुए वालिद के लिए आपने दुआ की, लेकिन जब आपको मालूम हो गया कि वालिद आप रास्ते पर आने वाले नहीं हैं, तो उस वक्त ला ताल्लुकी का इजहार भी उन्होंने किया। चुनांचे इस हदीस शरीफ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद आजर से मिलेंगे, तो आजर के चेहरे पर गर्द गुबार और स्याही छाई होगी। मालूम है ना आपको, जो यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे होंगे जो बिल्कुल तरोताजा होंगे और अल्लाह की तरफ देख रहे होंगे, मगन होंगे, और कुछ चेहरे होंगे अलैहा गबरा, गर्द गुबार, स्याही, सीअत वजूहुहुम, स्याही छाई होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ऐ मेरे अब्बू, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि तुम मेरी नाफरमानी ना करना, मेरी बात सुन लेना। तो उस वक्त वो कहेंगे आज मैं नाफरमानी नहीं करूंगा, क्योंकि हकीकत को उन्होंने देख लिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ऐ अल्लाह या रब, तूने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे उस दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा। ऐ मेरा रब, इससे बढ़कर रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप रहमत से दूर है, जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएंगे मैंने जन्नत को काफिरों पर हराम कर दी है। सोचिए कौन किसकी सिफारिश कर रहा है। आज हम तौहीद को भूलकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पीर के पास, उस पीर के पास, इस मुर्शिद के पास, उस मुर्शिद के पास, इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, इस दरगाह के पास, उस दरगाह के पास जाकर ये उम्मीद हम लगाए बैठे हैं कि ये अगर हाँ कर देंगे, ये अगर राजी हो जाएंगे तो हमारी आखिरत का बेड़ा पार हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये बेड़ा पार करने की बातें नहीं है, हमारा बेड़ा गर्क करने की जो है हरकतें हैं। खलीलुल्लाह अबुल अंबिया सिफारिश कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं जन्नत को काफिरों पर हराम कर दी, और हम आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के पैरोकार होने का दावा करने के साथ साथ शिर्क करने से नहीं डरते, बिदअत से नहीं डरते, गैरुल्लाह को सजदा करने से नहीं डरते, गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने से नहीं डरते, नजर और न्याज करने से नहीं डरते, बल्कि हम में बहुत सारे ऐसे मालदार हैं जिनकी पूरी जो है आमदनी दरगाहों को बनाने में, कब्रों को, मज़ारों को चमकाने में लगती है। तो सोचे कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के उस दर्दनाक अज़ाब से जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगती है, कौन हमें बचाएगा, कौन हमारी सिफारिश करने आएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन, उस वक्त फरमाया जाएगा क्या इब्राहिम अपने पैरों के नीचे देखो क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे तो ज़िबह किया हुआ जानवर खून में लथड़ा हुआ पड़ा होगा, जिसे टांगों से पकड़कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है, यकीनन हर साल आप सुन ले, हर महीना आप सुन ले, हर दिन आप सुन ले, आप में एक नया वलवला पैदा करेगी, एक नया जज्बा पैदा करेगी, तौहीद की एक नई रूह आप में वो भरेगी, कोई इसमें शक नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से दुआ है कही और सुनी गई बातों पर, उसमें जो भी हक है उस पर अमल करने की तौफीक मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला अता फरमाए। और खिताब के दौरान जो भी लफ्जिशें और गलतियां हुई हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरगुजर फरमाए, माफ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इस वक्त को और हमारे इस सुनने और कहने को अल्लाह कबूल फरमाए, और सब की जिंदगियों में अल्लाह बरकत दे, और ये जो बीमारी कोरोना महामारी है इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक की हिफाजत फरमाए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसको एक एक करके जानते हुए उसको अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।